हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम मेमोरी एलोकेशन के दौरान जनरेट होने वाली एक प्रॉब्लम फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे, जो दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले हम समझे कि फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम क्या है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भी मेमोरी एलोकेशन होता है किसी प्रोसेस को, वो कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन अगर किया जा रहा है तो वो लगातार स्पेस में किया जाता है, और जब भी सिस्टम चलता रहता है तो वे प्रोसेस मेमोरी में लोड होते हैं और अनलोड होते हैं। और ये जो फ्री स्पेस है, मेमोरी का जो फ्री स्पेस है, ये अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। जब भी कोई नया प्रोसेस आता है और उसे हम कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन करना चाहते हैं, तो कंटिग्यूस लोकेशन पर फ्री स्पेस उतना नहीं होता है ताकि वो प्रोसेस रन कर पाए। यानी मेमोरी स्पेस हमारे पास फ्री है लेकिन अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग लोकेशंस पर फ्री है। तो इस प्रॉब्लम को फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम कहा जाता है, और ये दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो नॉर्मली स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में मेमोरी को एक फिक्स्ड ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है, और कोई भी प्रोसेस आता है तो उसे वो पर्टिकुलर ब्लॉक जो भी उसके लिए सूटेबल होता है वो दे दिया जाता है। लेकिन वो ब्लॉक एलोकेट करने के बावजूद अगर वो प्रोसेस काफी स्पेस, कुछ स्पेस वहां मेमोरी में फ्री छोड़ रहा हो, तो इसे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल में देखें, सपोज ये हमारे मेमोरी है जिसमें फिक्स साइज के ब्लॉक है 2 MB, 4 MB, 4 MB एंड 8 MB। अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस सपोज P1 अराइव होता है जिसे एग्जीक्यूट होने के लिए 3 MB स्पेस की जरूरत है, और इसे ये ब्लॉक दे दिया गया, ब्लॉक साइज फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसे सबसे सूटेबल उसके लिए 4 MB था, तो उसे 4 MB स्पेस दे दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या हो रही है कि ये सिर्फ 3 MB स्पेस यूज कर रहा है। अब यहाँ 1 MB बहुत ही छोटा स्पेस बच रहा है जो दूसरे किसी प्रोसेस के लिए सूटेबल नहीं होगा फ्यूचर में। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे जो स्पेस बच जाते हैं मेमोरी में, ये कहा जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नॉर्मली ये कब जनरेट होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता क्या है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इसमें कोई फिक्स साइज ब्लॉक नहीं होता है, जैसे जैसे प्रोसेस आते हैं, अराइव होते हैं, उनको लगातार वो स्पेस दे दिया जाता है जो भी स्पेस मेमोरी में फ्री होता है। तो इसमें कंटिग्यूस होता है मेमोरी एलोकेशन, लेकिन डायनेमिक होता है, यानी एक कोई फिक्स साइज ब्लॉक नहीं होता है जैसा कि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में होता था। तो इसके एक एग्जांपल से हम समझें कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है। जैसे इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि असाइंड स्पेस है, ये दोनों असाइंड स्पेस है। अगर टोटल हम फ्री स्पेस देखें तो हमारे पास कितना है, 30 KB प्लस 10 KB प्लस 10 KB, यानी टोटल हमारे पास 50 KB मेमोरी स्पेस फ्री है। सपोज कोई प्रोसेस P5 अराइव होता है और उसे 45 KB की जरूरत है, तो क्या इसे हम कंटिग्यूस मेमोरी स्पेस एलोकेट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास कंटिग्यूस मैक्सिमम मेमोरी स्पेस फ्री है, वो है 30 KB, यानी 45 KB इसे हम लगातार नहीं दे सकते हैं। इसके लिए ये प्रोसेस क्या करेगा, इसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि कंटिग्यूस लोकेशन पर 45 KB फ्री नहीं हो जाए। तो इस तरह के प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ये सॉल्व किया जाता है कंपैक्शन के द्वारा, और पेजिंग या सेगमेंटेशन का भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में अगर आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन समझ में आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।